हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं स्वर्गीय नरेश भैया के छायाचित्र के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। आप सभी लोगों को बता दूं कि आज हमारे बीच में आदरणीय स्वर्गीय नरेश भैया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कांग्रेस के लिए शहीद हुए हैं और उनका यहां से जाना जाया नहीं जाएगा। आज सुर्खी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे बीच में उपस्थित छिंदवाड़ा से सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सुर्खी विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी आदरणीय लखन घनौरिया जी, सह प्रभारी आदरणीय संजू शर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सुहानी जी, आदरणीय जीवन पटेल जी, आदरणीय बुंदेल सिंह जी, आदरणीय कृष्णा सिंह जी, और हमारी इस विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी बहन पारुल साहू जी मंच पर विराजमान, सभी हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग, हमारे पूर्व विधायक, सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण उपस्थित, सभी हमारे इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों से, हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे सभी वरिष्ठ बुजुर्ग युवा साथी, सभी हमारी माता बहने, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। जैसा कि 3 दिन पहले यही सुर्खी विधानसभा में एक हमारे लोधी समाज के फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो फर्जी संगठन चलाते हैं, उनके द्वारा एक वक्तव्य में कहा गया कि तरवर सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। मैं कहता हूं, किसी को नशा है पैसे का, किसी को नशा है जायदाद का, लेकिन मुझे नशा है मेरे क्षेत्र की जनता की सेवा का, मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और आदरणीय कमलनाथ जी का मुझे नशा है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। 2 दिन पहले यहां उमा भारती जी भी आई। आप लोगों को पता होगा कि 2003 में इसी शिवराज ने और इसी भाजपा ने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी 2003 में आदरणीय उमा जी भारती के माध्यम से, लेकिन इसी शिवराज ने और इसी भाजपा ने मात्र 9 महीने में उन्हें कुर्सी से उतारकर घर बैठा दिया था। और जब वो जनशक्ति में पहुंची और प्रचार के दौरान जब मलारा में प्रचार कर रही थी, उस समय इसी शिवराज ने और इसी भाजपा ने उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया था, उनके वाहनों पर जानलेवा हमला भी करवाया था। और आज लोधी समाज से 2-2 विधायकों का खरीदने का काम भी शिवराज ने किया है। ये सम्मान की बात नहीं है, ये लोधी जाति को कहीं ना कहीं शिवराज ने नीचा दिखाने का काम किया है। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी का, आज लोधी समाज के प्रति मेरे प्रति इतना लगाव है शायद मध्य प्रदेश में किसी के साथ नहीं होगा, मैं ये भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आज ये जो कृत्य गोविंद सिंह जी ने और शिवराज सिंह जी ने जो हमारे सुर्खी विधानसभा में किया है, शायद इसको भगवान माफ कर दे,
लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, सुरखी विधानसभा की जनता कभी नहीं माफ करेगी। आज वास्तव में कमलनाथ जी जैसे एक, मैं तो कहता हूं भगवान स्वरूप ही उनके लिए, वो तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए आए हैं, मैं तो कहता हूं कि वो भारत की राजनीति में अगर ऊपर जाए तो पूरे देश को एक नई दिशा देंगे, पूरे देश को एक नई दिशा देंगे। और आज जो इन लोगों ने जो कृत्य किया है, ये आपको 3 तारीख को इसका जवाब देना है। और हमारे विधानसभा चुनाव में जो हमारी यहाँ की प्रत्याशी हैं आदरणीय पारुल साहू जी, आप सभी लोगों की जानी परखी है, और उन्होंने जो वास्तव में विकास किया है वो 15 सालों में गोविंद सिंह जी ने नहीं किया, लेकिन 5 साल वो यहाँ की विधायक रही, उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप 3 तारीख में पंजे के सामने का बटन इतना दबाए कि उसका रंग ही चला जाए। धन्यवाद। जय कांग्रेस। हमारे बीच में जागरण एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।